अगर आप लोग मेरी मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये ईमेल है, आप ईमेल करके ज्वाइन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फॉक्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ICT की गोल्ड की स्ट्रेटेजी के ऊपर जिसको आप यूज़ करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि UTC-4 न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ आपका टोकल टाइम सेट होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू का। अगर ये नहीं है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दीज आर द की एलिमेंट्स विच आई हैव स्टेटेड ओवर देयर। पहले ये आपको पता चलना लगाना है, ये आपका नंबर वन गोल होना चाहिए कि मार्केट ने किस साइड को पनिश किया और व्हाट्स लेफ्ट। थर्ड पे आपको ये पता चलना चाहिए टाइम ऑफ द डे क्या है जब आप एग्जीक्यूट करें। और फोर्थ पे आपका टारगेट जो है बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। सो ये जो चार्ट आपके सामने है ये 1 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे जो एनोटेशंस हुई हुई हैं ये सारी ड्राइंग्स जो भी हुई हुई हैं कलरिंग लिपस्टिक एक्सेट्रा, इसका एक पर्पस है ताकि आप लोग इसको सॉलिडली एंड लर्न कर लें, इसको ऑब्जर्व कर लें हाउ इट्स लुक लाइक, ये सेटअप किस तरह दिखता है और आपको इसको किस तरह यूटिलाइज करना है। एंड बिलीव मी माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैन मेक लॉट मच मनी बाई यूजिंग दिस। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और एटलीस्ट 2 to 3 months की बैक टेस्टिंग चाहिए एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग एज वेल। जब आपके पास इनफ डाटा कलेक्ट हो देन एंड ओनली देन आप लोग ट्राई करेंगे इसको रियल या फंडेड अकाउंट पे जाके ट्राई करेंगे। सो दैट वाज अ स्विंग लो विच ब्रोक दैट लो विच टुक दैट लो, इसने इस लो को इंगेज किया। यहाँ तक आपने बात याद रखनी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दिस मार्केट टुक दैट लो, किसी भी लो, ये किसी भी हाई के नीचे, हाई के ऊपर, लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। सो दैट इज व्हाट दैट इज सेल साइड लिक्विडिटी टू मी। देन मार्केट केम अप, ये जिस दिन हम इस मार्केट में ये बाय देख रहे थे वी वर ऑब्जर्विंग ये बाय, ये ऑल टाइम हाईज के पास था गोल्ड और ऑल टाइम हाईज ने पोस्ट किया था ये रिसेंटली 951 पे। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाईज पे होती है तो आप फैंसी डांस करके ये कोशिश नहीं करते कि मैं इसको सेल करता हूँ। यू डोंट वांट टू सेल दैट मार्केट एट ऑल इन बुलिश डेज, इन एक्सट्रीम हाईज नेवर ट्राई टू पिक टॉप्स। ओके, दिस मार्केट टुक दैट लो अराउंड 13 o'clock विच इज US अराउंड 3 PM दोपहर के। देन मार्केट रैलीड, क्या आपको यहाँ से ट्रेड लेनी थी? नो। क्या आपको यहाँ से ट्रेड लेनी थी? नो। यू नीड व्हाट? ब्रेकर। दिस लुक एट दिस, देर वॉज अ लो विच मेड दैट हाई, इस हाई ने इसके नीचे लोअर लो लगा दिया इस लो के नीचे। सो ये जो एक सिंगल अप क्लोज कैंडल है ये क्या है? दैट इज़ योर ब्रेकर ब्लॉक, जिसको मैंने ये ब्लू लाइन से हाईलाइट किया। सिर्फ एक कैंडल है, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो आप इसको देखेंगे ये बैलेंस प्राइस रेंज क्यों है। लुक एट दिस, के ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों एक ही नेबरहुड में एक ही साथ आए इन अ सिंगल रन अप इन अ सिंगल रन डाउन। दैट इज बैलेंस प्राइस रेंज, दैट इज माई यूनिकॉर्न। जब कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर देती है आप क्या देखना चाहते हो? सिंपली यू वांट टू सी रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट। लुक एट द रिस्पेक्ट ऑन द अपर पोर्शन ऑफ दैट। नाउ समबडी विल से कि ये ब्रेकर ब्लॉक तो यहाँ तक था, मार्केट तो उसके नीचे चली गई है, लेकिन विक्स गई हैं। दैट्स वाई सर ICT ऑलवेज सेज विक्स टू द डैमेज बॉडीज टेल द स्टोरी। सो अगर मैं सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक की कैंडल को हाईलाइट करूँ तो आप देखेंगे कि बॉडीज परफेक्टली इसके अंदर है, विक्स नीचे जा सकती हैं और ये टोटली ओके है, टोटली परमिजिबल है। ये बैलेंस प्राइस नहीं है, इट्स अ ब्रेकर ब्लॉक, ये क्योंकि नीचे वाली चीज़ को रेक्टेंगल को मैंने उठा के ऊपर पोस्ट किया। दैट्स वाई यू कैन गेट लिटिल बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। दैट्स टू मी इज ब्रेकर राउंड, ये मेरे लिए अब ब्रेकर है, दैट्स ब्रेकर ब्लॉक। सो वी वांट टू सी रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट, यस इट प्रोवाइडेड अस, इट रैलीड, क्रिएटेड व्हाट? इमीडिएट रिबैलेंस। जहाँ पे भी इमीडिएट रिबैलेंस होता है और आपके पास कोई ड्राउन लिक्विडिटी कोई टारगेट पड़ा होता है, जो कि इस केस में ये हाई था, क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप्स थे जिसके अंदर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रही थी इसके आउटसाइड। जैसे इसने इसके आउटसाइड क्लोज किया मैंने क्या लिखा? आई वांट टू सी इट एक्ट लाइक रियल सपोर्ट। ये सपोर्ट नहीं है, ये बैलेंस प्राइस रेंज जो फेल हुई है, अब हम इसको रिस्पेक्ट देके देखना चाहते थे कि मार्केट साइकिल है और एग्जैक्टली इसके ऊपर लिक्विडिटी थी। मार्केट अगर ऊपर जा रही है या तो वो किसी लिक्विडिटी को इंगेज करती है या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप में, क्योंकि इस लेग में अब कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था इसके ऊपर, तो हम ऑब्वियसली कह सकते थे यही हमारा डाउन लिक्विडिटी और यही हमारी TP होगी। सो आई होप एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव विद द रिस्पेक्ट ऑफ माई डियर अल्लाह, विद द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई डियर अल्लाह सुबहान तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप लोग इस चीज़ को समझने में कामयाब हुए होंगे और आपको मेरे YouTube चैनल से सीखने को कुछ भी मिला होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों और भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फील्ड में, जो कि इंतहाई डीमोटिवेटेड फील्ड है,
और लोगों के लिए जहाँ पे लोग बहुत सा क्लाउड इकट्ठा करते हैं वहाँ पे लोग कुछ असल बात सीख सकें। और वीडियोस बहुत अच्छी लगें तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब किया करें। और अगर मेरी प्राइवेट मेंटरशिप का हिस्सा बनना है आपने तो उसके लिए मैं ईमेल इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली लेजिमेट वे टू कॉन्टैक्ट मी। और सेकेंडली, मैं इस वीडियो के स्टार्ट पे एक एंथम के तौर पे भी अपना ईमेल पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।